5 सेकेंड, 2 सेकेंड, रेडी। जयराम रमेश का यह कहना सही है कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता संभव नहीं, लेकिन कठिनाई यह है कि कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस का साथ देने के नाम पर उसकी राजनीतिक जमीन पर काबिज होना चाहते हैं। कांग्रेस पहले से ही कई राज्यों में अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी है और अब यदि वह विपक्षी एकता के नाम पर क्षेत्रीय दलों के लिए और जगह छोड़ती है तो वह खुद भी क्षेत्रीय दल के रूप में सिमट जाएगी। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि आज कांग्रेस उन अनेक राज्यों में तीसरे चौथे नंबर का दल बनकर रह गई है जहां कभी वह पहले स्थान पर थी। यह सही है कि कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस को साथ लेकर भाजपा का मुकाबला करने की पहल कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कई उसका नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं। इनमें से कुछ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं। ऐसे कुछ दलों ने कांग्रेस के बिना विपक्षी दलों को एकजुट करने की रणनीति अपना ली है। इनमें प्रमुख हैं भारत राष्ट्र समिति और तृणमूल कांग्रेस। क्षेत्रीय दल भले ही कांग्रेस के साथ मिलकर भाजपा को चुनौती देना आसान बता रहे हों, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके पास ऐसा कोई एजेंडा नहीं जो आम जनता का ध्यान खींच सके। एक तथ्य यह भी है कि उनका दूसरे राज्यों में कोई प्रभाव नहीं है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी उनकी दृष्टि संकीर्ण है। अब तो वे रेवड़ी संस्कृति को भी अपनाते जा रहे हैं जो कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने वाली है। इसमें संदेह नहीं कि अपना राजनीतिक प्रभाव खो देने के बाद भी कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है और करीब करीब सारे देश में उसका प्रभाव है। इसी कारण विपक्षी एकता उसके नेतृत्व में ही संभव है, लेकिन इसके लिए जिस वैकल्पिक एजेंडे की आवश्यकता है उसकी पूर्ति वह नहीं कर पा रही है। इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि वह समय के साथ वामपंथी सोच से ग्रस्त होती जा रही है। वह रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने में क्षेत्रीय दलों से होड़ ले रही है। वैकल्पिक नीतियों के नाम पर उसके पास कुल मिलाकर रेवड़ी संस्कृत ही है। यह एक विडंबना ही है कि जिस कांग्रेस ने एक समय देश की अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया वही आज निजीकरण के विरोध में खड़ी नजर आती है। वह यह समझने को तैयार नहीं कि उद्योग व्यापार जगत को बढ़ाए बिना देश को आगे नहीं ले जा सकता। यदि कांग्रेस यह चाहती है कि उसके नेतृत्व में विपक्षी दलों का कोई सशक्त गठबंधन बने
और वह भाजपा को चुनौती देने में सक्षम हो तो उसे सबसे पहले ऐसा कोई एजेंडा बनाना होगा जो देश के लोगों को आकर्षित करे। फिलहाल कांग्रेस ऐसा नहीं कर पा रही है।